हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके घर में जो कमोड है उसका जो फ्लश टैंक है, या इसको सिस्टर्न भी बोलते हैं, पैरीवेयर कंपनी का है ये। अगर आपका ये फ्लश करने वाला जो बटन है, फ्लश करने के बाद नीचे ही रह जाता है, अटकता है, और यहाँ से पानी जो है आपका कमोड में हमेशा चलते रहेगा। कुछ इस तरह से देखिए, मैं अभी फ्लश किया हूँ, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, तो ये नॉब ऊपर की तरफ आ नहीं रहा है, नॉब अटक रहा है इसका। यहाँ पे देखिए, ये नॉब अटक गया है। अब नॉब नीचे की तरफ रहने से क्या होता है कि पानी आपका यहाँ पे गिरते रहता है, देखिए हमेशा पानी गिरते रहता है। तो इस नॉब को हमको इस तरह से बार बार ऊपर की ओर करना पड़ता है हाथ से मैनुअली। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे परमानेंटली ठीक करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम ये जो कमोड है या सिस्टर्न है, ये मार्केट में आपको 600 to 700 रुपीज़ में नया मिल जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसी को ठीक करके। सबसे पहले हम इसका ये कवर खोल लेंगे। कवर खोलने के बाद सबसे पहले हम ये चेक करेंगे आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये लगी हुई बटन्स, ये जो आपका नॉब है ये अटक क्यों रहा है। अटकने के दो रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नॉब, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, यहाँ पे साइड में ये फंसता है। तो आपको यहाँ पर जब आप ये नॉब टूट गई थी पहले, तो आप ये नया जब नॉब लगाइएगा तो कंपनी से फिटेड ओरिजिनल आपको नॉब ये मिलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी गैप है, उसको आपको थोड़ा सा फाइलिंग करके इसको रगड़ लेना है ताकि ये नॉब अटके ना। हम आपको करके दिखाते हैं। ये जो आप स्विच, आप जो ये नॉब देख रहे हैं यहाँ पे, ये अटक रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ होती है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मेरा नाखून का पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इस पॉइंट के पास यहाँ पे गैप होनी चाहिए। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सटा हुआ जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसको हमको थोड़ा सा फाइल कर लेना है, थोड़ा घिस लेना है कुछ इस तरह से। इसको हम खोल लेंगे पहले, देख लीजिए, इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाइएगा तो ये खुल जाएगा। देख लीजिए इस तरह से हम लोग खोल लिए हैं, खोल के इसको आपको रख लेना है सेफ जगह पे ताकि ये भुलाए वगैरह नहीं। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो बीच का गैप है जहाँ पे ये स्टिक्स आपकी चिपक रही है आपस में, यहाँ पे देखिए ये स्टिक जो है ना, इसके बीच का जो गैप है वहाँ पे ये स्टिक अटक रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये स्टिक भी निकाल के यहाँ साइड में रख देनी है इस तरह से, और ये नॉब को आपको बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेना है, और इस हिस्से को आपको घिसना है। इस ये जो एक्स्ट्रा निकला हुआ जो इसका है पॉइंट, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको आपको फाइल से घिस के थोड़े सा आपको हल्का सा चिकना कर लेना है इस तरह से। ये हम फाइल ले लेंगे और कुछ इस तरह से इसको घस देंगे। ये देखिए, हम लोग घिस के इसको चिकना बना लिए हैं। चिकना बनाने के बाद हम इस नॉब को वापस ले लेंगे इस तरह से कुछ, और इसको यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे, और ये जो स्क्रू है इसकी और इसका जो ये हैंडल है उसको हम लोग यहाँ पे फंसा के इस तरह से, देखिए इस तरह से फंसा के हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे इसको।
देखिए टाइट कर दिया हमने, अब हमको ये थोड़ा सा फ्री लग रहा है। अब हम इसको फ्लश करके देखेंगे कि ये नॉब हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती है कि नहीं, कि अभी भी ये अटकती है। ये देखेंगे, अटकने के बाद यहाँ नॉब देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है धीरे धीरे। देखिए ये धीरे धीरे नॉब ऊपर की तरफ आ चुका है। और यहाँ पर पानी देखिए भरने लगा है इस टैंक के अंदर, यहाँ पर से पानी आ रहा है। और ये ओवरफ्लो अब कर रहा है कि नहीं, अब हम कमोड उठा के भी देख लेंगे। कमोड के अंदर अपना ये देख लीजिए, पानी यहाँ बंद हो चुका है और नॉब हमारा ऊपर आ चुका है। यहाँ पे ध्यान से कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाइए कि यहाँ पे पानी अब यहाँ फ्लश का नहीं गिर रहा है। तो आप इस तरह से आप इस गैप को फाइल से घसने के बाद ये नॉब अटकने वाली जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत ही सस्ते में आप इस फाइल का यूज़ करके इसको घस के आप बराबर कर लीजिए और आपका ये फ्लश जो स्विच अटक रही है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो ये था हमारा फ्लश टैंक के स्विच के अटकने की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अगर ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करें और मेरे चैनल राज टेक्निकल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग फ्यूचर में इस तरह की वीडियो आपके पास लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।